जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए मैंने जिना भाई मैंने पहले ही कहा था कि तमीज की जरूरत नहीं, बाला है तमीज, शायर है, मैं बहुत इतिहास से काम लेता हूँ, दो चार शेर बचा ले गया मैं। बहरहाल जिक्र कर रहे थे कि आग का दरिया हो, जज्बे की अपनी प्रिजराई कर रहे थे, हमें जाना करबला, तो चार मिसरे उस हवाले से याद आ गए, आपकी समातों को नजर कर दूं कि मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहब्बत के घराने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और जान पे खेल के हम करबो भला हो आए, जान पे खेल के हम करबो भला हो आए, जान पे खेल के हम करबो भला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले, जान पे खेल के हम करबो भला हो आए, जान पे खेल के हम करबो भला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। या वो कह रहे थे अली नाम जिंदा है, चार विषय याद आ गए आपके समातों के, अपनी दिनचर्या की, ये 14 हैं तो इलाही निजाम जिंदा है, ये 14 हैं तो इलाही निजाम जिंदा है, इन्हीं के दम से मोहम्मद का नाम जिंदा है, ये 14 हैं तो इलाही निजाम जिंदा है, इन्हीं के दम से मोहम्मद का नाम जिंदा है, और तुम्हारे पास तो मुर्दा भी नहीं अब नहीं कोई, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमारे वास्ते मेरा इमाम जिंदा है, हमारे वास्ते इन्हीं मिसरों के साथ, इन्हीं मिसरों के साए में बहुत बड़ा नाम फने शायरी की दुनिया का, बहुत मुतरनिम शायर जिनकी तमहीद में कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए सादत की बात है कि मैं ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूँ, आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसा सुनते हैं। जफर भाई बेहतरीन पढ़ते हैं, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन आवाज, अब आपकी समातें इस बात का फैसला करेंगी कि उनसे आप कैसा सुनना चाहते हैं और कैसा सुनेंगे। नारे सलवार, सबसे पहले आप सबको इज्जत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और महफिल मौला अस्करी है तो मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें तो मुस्तफा की खुशी में आ जाओ, मुस्तफा की खुशी में आ जाओ, आज तो रोशनी में आओ, आज तो आना कैसे, ये समाप्त करें, आना कैसे, आज तो रोशनी में आ जाओ, अस्करी हाल दे रहा है सदा, अस्करी हाल दे रहा है सदा, महफिले अस्करी खुशी में आ जाओ, मुस्तफा की खुशी में आ जाओ, आज तो
रोशनी में आ जाओ, आज तो अस्करी हाल दे रहा है सदा, अरे महफिले अस्करी में आ जाओ। एक बात दूर पढ़ा एक मतलब होगा, सात शेर देखेंगे आज के देखो बताने के लिए। देखेंगे देखेंगे रोजे हश्र वही शान अस्करी, देखेंगे रोजे हश्र वही शान अस्करी, देखेंगे रोजे हश्र वही शान अस्करी, महफिल में आए हैं जो गुलामान अस्करी। महफिल में आए हैं जो गुलामान अस्करी, और शेर पेश कर बतौर खास देखें, शेर बतौर खास पूरी तवज्जो। महफिल में आए हैं जो गुलामान अस्करी, बतौर खास शेर, सोचो सोचो जहां इमाम जमा घुटनियों चले, सोचो जहां इमाम जमा घुटनियों चले, जन्नत से कम नहीं है वो दालान अस्कर। सोचो 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 जहां इमाम जमा घुटनियों चले, सोचो जहां इमाम जमा घुटनियों चले, अरे जन्नत से कम नहीं है वो दालान अस्करी, जन्नत से कम नहीं है वो दालान अस्करी। विषय देखें बता देखा देखें बता देखा देखेंगे, आएगी हर तरफ से सदा या हुसैन की, आएगी हर तरफ से सदा या हुसैन की, आएगा जब जहान में वो जान अस्करी, आएगा जब जहान में वो जान अस्करी, आएगा जब जहान में वो जान अस्करी, और जब इमाम आ जाएंगे उसके बाद का मंजर पेश करो बतौर खास समाप्त करें, कि मेहदी के साथ लेंगे ये बदला हुसैन का, मेहदी के साथ लेंगे ये बदला हुसैन का, ये सारे मातमी हैं जवानान अस्करी, मेहदी के साथ लेंगे ये हैदरी, मेहदी के साथ लेंगे ये बदला हुसैन का, ये सारे मातमी हैं जवानों ने अस्करी। एक बात रूप पहुंचे आप हजरात, सोचा था कि जो यहाँ पर अलम और
ताज़िया तबर्रुकात देख के दिल में ख्याल आया कि एक अभी नई रदीफ़ मैंने लिखी जो है रदीफ़ है अज़ा खाना, तो मैं पेश कर रहा हूँ समाप्त करें बतौर खादिम। एक बात दूर पड़े आप लोग, बिल्कुल नया कलाम पेश कर रहा हूँ बतौर खादिम, देखें देखें बतौर खादिम, देखें हुज़ूर देखें बतौर खादिम, सुने आप लोग भी। घर से हम निकलते हैं चूम कर अज़ा खाना, बतौर खास पूरी तवज्जो। घर से हम निकलते हैं चूम कर अज़ा खाना, उसके बाद होता क्या बतौर खास सुने। घर से हम निकलते हैं चूम कर अज़ा खाना, इसलिए सफर में है हम सफर अज़ा खाना, आप लोग बता चाहता हूँ, इसलिए सफर में है हम सफर अज़ा खाना। शेर बतौर खास समाप्त करें। इसलिए सफर में है हम सफर अज़ा खाना, बतौर खास सुने। एक बार दुरूद पढ़ें आप हज़रात, इसलिए सफर में है हम सफर अज़ा खाना, बतौर खास शेर सुने पूरी तवज्जो। हम बिखर नहीं सकते सुन ले वक्त के जालिम, हम बिखर नहीं सकते सुन ले वक्त के जालिम, मोमिनों को रखता है जोड़ कर अज़ा खाना, हम बिखर नहीं सकते सुन ले वक्त के जालिम, मोमिनों को रखता है जोड़ कर अज़ा खाना। हज़रात देखिए मुझसे फरमाइशें बहुत सी हैं लेकिन मैं बिल्कुल नया कलाम पढ़ रहा हूँ, उसकी दलील ये है कि मैं मोबाइल देख के पढ़ रहा हूँ, वरना जल्दी आप मुझे मोबाइल से देख के ना पढ़ते देखते होंगे, इसलिए कि नया कलाम इसे देख के पढ़ूँ। आप बता रहे हैं इसलिए सफर में है हम सफर अज़ा खाना, देखिए मुश्किलों से बचने का क्या हसी तरीका है, मुश्किलों से बचने का क्या हसी तरीका है, जाके देख लेते हैं एक नजर अज़ा खाना, जाके देख लेते हैं एक नजर अज़ा खाना, जाके देख लेते हैं एक नजर अज़ा खाना, कोशिश जाके देख लेते हैं एक नजर अज़ा खाना, कुतुब खाते हैं शेर वक्त का कोई फितर जब मरीज होता है, वक्त का कोई फितर से अरे जब मरीज होता है पूछता है घबरा कर है किधर अज़ा खाना,
जब मरीज होता है वक्त का कोई फितर से, जब मरीज होता है पूछता है घबरा कर खैर किधर रजा खाना। और जब जब सवाल हुआ है तो जवाब भी नहीं जाना चाहिए, बतौर खास समाप्त करें। पूछता है घबरा कर है किधर रजा खाना, हम मरीज दुनिया से फख्र से ये कहते हैं, हम मरीज दुनिया से फख्र से ये कहते हैं, रुख जिधर है काबे का है उधर अज़ा खाना, जिधर है काबे का है उधर अज़ा खाना। एक बार दूध पड़ गया देखिए बताओ खास एक मतलब जो शेर समाप्त पहले दिलो दिमाग को हक आशना करो। मुझे मालूम है आप क्या पढ़ रहे, पहले दिलो दिमाग को हक आशना करो, फिर उसके बाद जिक्र शहर करबला करो। पहले दिलो दिमाग को हक आशना करो, फिर उसके बाद जिक्र शहर करबला करो, फिर उसके बाद जिक्र शहर करबला करो। शेर बता रहा सुने, किरदार पर है जन्नत दोज़ख का फैसला, किरदार पर है जन्नत, किरदार पर है जन्नत दोज़ख का फैसला, लेकिन है शर्त हुई तरह फैसला। किरदार पर है जन्नत दोज़ख का फैसला, लेकिन है शर्त हुर की तरह फैसला करो, लेकिन है शर्त हुर की तरह फैसला करो। और ये चीज अब अपने अपनी महफिलों में और मदरसों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं शेर पेश करूं खास ये महफिले हुसैन, अब महफिले हुसैन हमारी तुम्हारी है, अब महफिले हुसैन हमारी तुम्हारी है, अरे जहरा यहीं पर बैठी है कुछ तो हया करो, अब महफिले हुसैन हमारी तुम्हारी है।
महफिले हुसैन, अब महफिले हुसैन हमारी तुम्हारी है, अब महफिले हुसैन हमारी तुम्हारी है। अरे जहरा यहीं पर बैठी है, कुछ तो हया करो, अब महफिले हुसैन, अब महफिले हुसैन, अब महफिले हुसैन हमारी तुम्हारी है, अब महफिले हुसैन हमारी तुम्हारी है। सहरा यहीं बैठी है, तो हया करो, सहरा यहीं है, कुछ तो हया करो। और जो लोग हमारे मराजे को नहीं मानते उनके लिए पूरी तवज्जो, दलील के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो बता रखा, देखिए पूरी तवज्जो। गर चाहते हो कूफियों जैसा नहाल हो, गर चाहते हो कूफियों जैसा नगर चाहते हो कूफियों जैसा नहाल हो, जो नायबे इमाम है इनसे वफा करो, गर चाहते हो कूफियों जैसा नहाल हो, जो नायबे इमाम है उनसे वफा करो, जो नायबे इमाम है उनसे वफा करो। और मौला के हदीस से मख्ता पेश कर पुत्र खाल, जो नायबे इमाम हैं उनसे वफा करो। पुत्र खास देखें कि हर लम्हा, मौला के हदीस, हर लम्हा जिंदगी का मजा पाओगे जफर, हर लम्हा जिंदगी का मजा पाओगे जफर, महदूद ख्वाहिशों का अगर दायरा करो, हर लम्हा जिंदगी का मजा पाओगे जफर, महदूद ख्वाहिशों का अगर दायरा करो, हर लम्हा मुस्तफा की खुशी में आ जाओ, आज तो रोशनी में आ जाओ, आज तो रोशनी में आ जाओ, अस्करी हाल दे रहा है सदा, महफिले
अस्करी में आ जाओ मैं सुन ले हजरत अगर इजाजत हो तो क्या बात है अगर इजाजत हो तो एक मतलब एक बात रूप में आपको देखिए ये मतलब तीन छह बता रहा हूँ देखिए बता रहे खास बंद रखा मंजर ये देख देख के हैरान कौन है कौन सा मंजर मंजर ये देख देख बहुत आराम से मतलब पढ़ूंगा मंजर ये देख देख के हैरान कौन है 40 घर में एक ही मंजर ये देख देख के हैरान कौन है 40 घर में एक ही मेहमान कौन है बतौर खास शेर सुनो बतौर खास 40 घर में एक ही मेहमान कौन है जब से अली के बाप को काफिर कहा गया जब से अली के बाप को काफिर कहा गया तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान जब से अली के बाप को काफिर कहा गया तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान कौन है तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान कौन है और शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ बतौर खास अभी तक किसी पे बहस हो रही कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा बतौर खास शेर पेश कर रहा हूँ तब से मैं सोचता हूँ मुसलमान कौन है कलमा नहीं पढ़ा के पढ़ा बहस ये नहीं कलमा नहीं पढ़ा के पढ़ा बहस ये नहीं इतना बता नबी का निगहबान कौन है ना बता नबी का निगहबान कौन है इतना बता नबी का निगहबान कौन है शेर बतौर खास कि माने खुदा की जात न माने खुदा की बात माने खुदा की जात न माने खुदा की बात अरे अब तो समझ गए हो कि शैतान कौन है अब तो समझ गए हो कि शैतान कौन है अब तो समझ गए हो कि शैतान कौन है और आखिर शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास पूरी तवज्जो पेश कर रहा हूँ बतौर खास देखें शेर पूरी तवज्जो बतौर खास देखिए पूरी तवज्जो करबला आपके सामने है मारने वाला कौन था और एक रहवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह खैमे तक खबर पहुंचाई पेश करो बतौर खास देखिए बतौर खास पूरी तवज्जो वो कातिल हुसैन है ये जुलजना है वो कातिल हुसैन है ये जुलजना है बोलो अमल को देख के हैवान कौन है
बोलो अमल को देख के हैवान कौन है, और दोनों जहां में नाम अली लेंगे हम सफर, उस्ताद जिब्राइल से अनजान कौन है, उस्ताद जिब्राइल से। हजरत बस सिर्फ आखिरी में चार मिसरे, वो भी नौजवानों के लिए एक पैगाम बतौर खास, इसलिए नौजवानों के बहकने का ज्यादा अंदेशा इस वक्त जो हालात हैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं। बतौर खास जो शख्स ये कहता है कि कुरान बहुत है, जो शख्स ये कहता है कि कुरान बहुत है, दर असल वो कुरान से अनजान बहुत है। जो शख्स बतौर खास, जो शख्स ये कहता है कि कुरान बहुत है, दर असल वो कुरान से अनजान बहुत है। जो शख्स पता रखा शेर सुने कि तकलीद के दुश्मन का कभी साथ न देना, तकलीद के दुश्मन का कभी साथ न देना, वरना मेरी इस कौम का नुकसान